आपको सलाम मेरा सबको राम सलाम राम। रे अब मेरा तो बोले आदमी का आदमी का नाम। खुद राम मैं यहाँ उपस्थित अतिथि श्रोतागण और देश विदेश से जुड़े सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम जन कवि कीर्ति शेष मोहम्मद सदीक भाटी जी की याद को समर्पित है। मोहम्मद सदीक भाटी जी राजस्थानी और हिंदी भाषा के जाने माने कवि थे। उनके तीन काव्य संग्रह जूझती जून, अभी अंधेरा है तथा अंतस्तास प्रकाशित हुए। उनके मरणोपरांत उनका चौथा काव्य संग्रह चेतेराचितराम प्रकाशित किया गया। तो उन्हीं की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं आज के हमारे पहले अतिथि वक्ता हमारे मरुधरा जैसलमेर के बेटे प्रसिद्ध कवि रचनाकार लेखक आलोचक अनुवादक और बिहारी पुरस्कार समेत कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर आईदान सिंह भाटी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये कॉलेज शिक्षा राजस्थान में 31 वर्ष तक प्राध्यापक रहे। इनके चार राजस्थानी काव्य संग्रहों सहित बहुत से शोध पत्र आलोचना कहानी संग्रह तथा उपन्यास प्रकाशित हुए। गांधी जी री आत्मकथा रविंद्रनाथ री कवितावां और यूजिन आइनेस्को द्वारा रचित प्रसिद्ध फ्रेंच नाटक राइनोसॉर्स के ये अनुवादक भी हैं। तो आप रो घने मान सु स्वागत है आदरणीय डॉक्टर आई दान सिंह भाटी जी, स्वागत है। हुकम हुकम कौशल जी, आपने घनी चीजों बता दी हो। मैं तो आपने केवल ये तो कहना चाहूं कि मारी जिन टाइम सदीक साहब बात होती उन टाइम वे एक बात हमेशा जरूर और जरूर मने कहता कि मैं तो लिख तो उर्दू में कोई टाइम में, और एक दिन में जो है चूल्हे रखने बैठो माख ने रोटी जीम तो जने माँ कहो कि बोली जिको है वो गुलाम लोग छोड़ दिया करे, जिको गुलाम हुए वे आपरी बोली छोड़े। और मने अचानक के झटको लागो और मने लागो के पद मैं है जिको मारी मारी जिको बोली है उनने क्यों छोड़ रहे हूँ। इन वास्ते वो राजस्थानी में लिखना शुरू कियो और उमरे जिको लेखन हो वो तो आपरी जगह हो, पण वे जिन टाइम मंच में थे जुको आपरी बातों खेवता या चीजों पढ़ता उन टाइम सगली जनता मंत्र मुग्ध हो जाती। हाँ मैंने अच्छी तरह याद है, मारा कई संदर्भ है मेरे साथ है। मैं आज जो है आपने आ कहनी चाहूं कि सदीक साहब रा जुको सपना होता वे सपना आपरी मातृभाषा रे साथ ही पढ़ ले आहा, और वे आपरी मातृभाषा ने मारे समान ही जो है मानन डूब गया था, और वे आपरी चीजों ने आपरे परिवेश हूं ले प्राण कहता। जैसे मोरे जो को सुप्रसिद्ध एक गीत है, बाबा थारी बा के यहाँ बादाम खावे रे, चरगी मारा खेत सरे आम खावे रे, और भी बीकानेर की एक ऐतिहासिक घटना रे साथ जुड़ो संदर्भ है। और वो बताए तो कि रात रात जो है जिन टाइम जबरदस्त जो है आयोजन हुआ जने लोगों रा भाषण भूषण सब हुआ, और सुबह उन जगह जो है पहाड़ों रा पहाड़ लाग गया था, जने वो लिखियो के बाबा थारी बाके यहाँ बादाम खावे रे और चरगी मारा खेत सरे आम खावे रे। और इनीज गत जो है वो ने जिन टाइम वो लाग तो के राजस्थानी रे नाम माथे लोग अवसरवादी वे रहा है, उन वक्त वे कहता इन बात ने जरूर चेतन कहता कि यो अवसरवादियों हो सावधान रहो, जिको अवसरवादी लोग है वो सावधान रहो, क्योंकि ए लोग तो केवल आपरो नाम है जिको आगे करनी चाहे। इन वास्ते आज इन अवसर माथे मैं सदीक साहब ने विनम्र जो है याद करता हुआ और उमरे प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ मैं आपने कहनी चाहूँ कि राजस्थानी रे नाम माथे जिको आज जिको चीजें हो रही है अगर अपन सदीक साहब ने बीच में लाओ तो अपन ठा फट जावेला कि किण गत जो है आज अपन अपनी चीज हो अलग हट गया हो अपनी वो जो को मातृभाषा है उरे साथे अपन जो को व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार उन गत तो नहीं रह रहे हो है। इन वास्ते ए बातों मैं माफी चाहता हूँ आप सगड़ा हो कहनी चाहूँ और मैं
उन्हें विनम्र जो है श्रद्धांजलि अर्पित करूं। आप सगना रो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, एक आपकी रचना भी हो जाए। मारी रचना में सदीक साहब की रचना के साथ मारी रचना रो कोई ज्यादा तालमेल नहीं है, मैं आपने बता दूं, लेकिन फिर भी मैंने आजकल विस्मृति को शिकार हो रहा हूं, लेकिन पुरानी एक कविता है जो को मैं कोई टाइम में एमए में पढ़ते समय लिखी थी, तो 19 में पाछी दोहरा दूं कि मैं देख लियो आप हो जमी, मैं देख लियो आप हो जमी, सुर्ग सू पाताल तक गलते हियाणे रे हिये सू बासदीरी झाड़ तक, मैं देख लियो आप हो जमी, सदिया सो सोई सभ्यता कुरलावती बरडावती, सिंहासना रे पग नीचे रगत नदियां जावती, मैं देख लिया वे आवता वे जावता, मदरे नशे गणावता है घाटियां मैदान, के जट्ठे सिंहासना शमशीर ताणी है, लप लपती बासंग नाग जू मिनखारा काढ़िया काल जा, के जट्ठे तीर भाला तोप सू गिर गयो है आदमी, के जट्ठे तीर भाला तोप सू गिर गयो है आदमी, के जट्ठे रगतरी नदार में गिर गयो है आदमी, के जट्ठे राक्षी इतिहास रा ठास गूंजे है, के जट्ठे दीठ देता आदमी री दीठ धूजे है, और मैं देख ली छाने सुझा इतिहास री वे आंखियां, सोधियां भी नी मिली जिण में नमी, मैं देख लियो आभो जमी सुर्ग सू पाताल तक, मैं देख लिया भाठान घटता हाथ ने, के जट्ठे आंतरारी पीड़ सारू आदमी बिक गयो है हाट में, के जट्ठे आदमी जो दो जून सारू कूद गयो दरिया वरे और घट घाट में, के जट्ठे आदमी इन हाथ सु भाखर मरोड़िया है, के जट्ठे तान सीनो समुद्रा नीर तोलिया है, जिनने कर्म रे कारीगरी तिरते पवन रे साथ इतका बोल बोलिया है, ए निशात्रा बाघ अजंता एलोरा चित्रा मुक्ति मोवनी मूरत तृप्ति खजुरा हो री छाव, और जनरे पगारी पीड़ घड़िया गढ़ किला है गाँव, जन ने देख ताई भूल जावे आदमी खुद ने खुदी रे भाव, मैं देख लियो उन आदमी ने दो जून सारू भटक तो गलियां भमी, मैं देख लियो आभो जमी सुर्ग सू पाताल तक गलते ही आड़े रे ये सू बास तेरी झाल तक। कविता लंबी है, उन दो स्ट्रिंजा में आप कहो जन मैं सुनाया हूँ। आप सगना रो आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हुकम हुकम सर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अगले अतिथि वक्ता बुलाना चाहूंगी आदरणीय मधु आचार्य जी को। ये बेबाक संवेदनशील पत्रकार तो है ही साथ अपने रचना कर्म के कारण भी सर्वत्र चर्चित हैं। ये पिछले 23 वर्षों से देश के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर से जुड़े हैं और वर्तमान में इसके कार्यकारी संपादक हैं। पत्रकारिता में प्रस्थान बिंदु पर ही आपने ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया। देश के स्वाधीनता आंदोलन में बीकानेर की भूमिका पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गवासी श्री दाऊलाल आचार्य जी के संस्मरणों पर आधारित नियमित कॉलम राष्ट्रदूत में लिखना शुरू किया। कालांतर में इसी कॉलम के आधार पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बीकानेर की भूमिका नाम से किताब का प्रकाशन हुआ। 100 से अधिक कृतियां लिख चुके आदरणीय मधु आचार्य जी निर्देशन, अभिनय, मंच पाशर और लेखन में भी पारंगत हैं। इनके उपन्यास गवार के लिए इनको साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च राजस्थानी सम्मान दिया गया। बहुत से प्रतिष्ठित सम्मान सहित इनके 3 नागरिक अभिनंदन समारोह हो चुके हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के राजस्थानी परामर्श मंडल के ये संयोजक हैं और राजस्थानी संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मधु आचार्य जी, पधारे। हाँ मधु जी, हुकम। आई जी ने प्रणाम करूं और बाकी सब ने राम राम करूं और मारे गुरु जी सदीक साहब ने निवन करूं। जी हुकम। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, अबार कौशल जी बताए हो कि 100 से ज्यादा किताबें लिख दी, लेकिन बहुत कम लोग ही बात ने जाने कि जब मैं हूं तो हमारा दो गुरु हुआ करता, अंग्रेजी बढ़ाता सदीक साहब और पीटीआई अजीज आजाद साहब। स्कूल री एक पत्रिका निकली नए क्षितिज, अभिया मैंने कहो कि तू भी कुछ लिख,
तो मैं एक कहानी लिखी, मैं कहानी हिंदी में लिख ले गयो तो आई जी, सबसे पहला देखते ही सदीक साहब गयो कि तू हिंदी में क्यों लिखी है भाई, तू तो राजस्थानी में लिख। मैं कहूं गुरु जी मैंने तो राजस्थानी लिखनी आवे ही कौन नहीं, तो तू मैं बात कर रहे हैं नहीं है बार, क्योंकि मारे पिताजी रहा बचपन रहा मित्र आवे साथे टीचर भी आ, कि तू मैं रोज बात करे नहीं राजस्थानी में, आई भाषा लिख ला। तो मैं बात लिख ले गयो और बिया बिना सुधारी और बाबा कहानी मारी स्कूल की पत्रिका में छपी, तो बहुत कम लोग जानता उसी कि मैं मारे जीवन में लिखनो शुरू करियो राजस्थानी में, और वो भी प्रेरणा थी सदीक साहब और अजीज आजाद साहब री, और सदीक साहब मारी भी रचना ने सुधारी। एक दूसरी बात और बतानी चाहूं मैं आपने कि पहली स्कूल में होया करतो कि हर शनिवार ने सभा होया करती, जिके मैं हरेक ने कुछ न कुछ सुनाना पड़तो तो स्टूडेंट ने, तो मारा अजीत साहब बस सभा लिया करता, हॉल में सभा ही और मैं गीत गा रहे हो तो, और गीत हो जिको अब कौशल जी पहली गयो जिके गीत से शुरुआत करी, मैंने भी गीत री पंक्तियां आज भी याद है, न्याय की गुहार का गला तो रुंद है, शब्द बाण भोतरे है धार कुंद है, भारती की आरती में साफ धुंध है, रे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम, आपके रहीम है तो आपके है राम, रे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम। बांडे भी बोल रहे बारे से निकलता सदीक साहब, तो सदीक साहब रे कान में जब कविता पढ़ी तो माय आ गया, मैंने देखता रहा, और आई जी भले ही मैंने साहित्य अकेडमी स्टेट री अकेडमी संगीत नाटक अकेडमी रे अवार्ड मिले उसी, पर 20 दिन मिले अवार्ड ने आज तक मैं भूल गुन नहीं सकूं। सदीक साहब आया पूरी सभा रे सामने, जेब से 10 रुपया निकले और मैंने पुरस्कार दियो, मैं मानू के वो 10 रुपया और पुरस्कार जिको 20 दिन मिलियो बेरी जिकी पूर्ति 104 किताबें लिख और राजस्थानी में लगभग 35 किताबें लिख में शायद पूर्ति करी है। अगर 20 दिन सदीक साहब मैंने कहानी नहीं लिखवाता, मैंने 10 रुपया और पुरस्कार नहीं देता, तो शायद लिखन वास्ते मारी इतनी हूस को नहीं होती। और गुरु जी ने तो मैं बहुत मंचों पर सुने कि क्यों जिता गीत सुना सकू भी और हमें सामने डाल थारे लार ली हवा बेगा चलो जीमो चीकना कवा बेटा चीकना कवा मान के ने मारे रसोई बनाई है बेगा बेगा चलो बेटा, बहुत शानदार रचना। गांधी रे उपयोग, गांधी रे नाम पर वोट, गांधी रे नाम पर सत्ता लेर, किस तरह नेता माल कमाता जावे, मारे ख्याल राजस्थानी में इन तरह व्यंग बहुत कम देखने मिले, या तो मैं सदीक साहब की कविता माए देखे और या आई जी की कविता माए देखे करूं, और बेरे बाद अगर कोई राजस्थानी में छोटो मोटो हिंदी में तो खूब तो, लेकिन सदीक साहब रो योगदान हो। मैं गुरु जी की इतनी अनेक कविताएं जानू, मैंने मेरी गजलें तक याद है, जरा देखो इधर क्या हो रहा है, उजाला फिर अंधेरे ढो रहा है, ये हमारी भीड़ हमसे पूछती है, ढूंढे उसे कहां जो खो रहा है, राजस्थानी रो ताम जाम सा थे मजा करो महाराज थारी पांचू घी में, ऊपर मंत्री का मकान नीचे दारू की दुकान, बेबाकी सु प्रगतिशील विचार साथ कविता करने वाला मोहम्मद सदीक साहब, मैं मानू मारे जीवन ने बनाऊन में एक रचनाकार रूप में मारे जीवन में बनाऊन में मोहम्मद सदीक अजीज आजाद हरीश बाधाणी नंद किशोर आचार्य और डॉक्टर अर्जुन देव चारण, ये 5-2 लोग आ जिका मैंने प्रोत्साहित करो, और मारी नजरा सामी कौन रहमता, मारी नजरा सामी सदीक साहब राजस्थानी में, आई जी राजस्थानी में, हरीश जी राजस्थानी में और अर्जुन जी राजस्थानी में, तो मैं सदीक साहब ने तो भूल ही को नहीं सकूं। त्यौहार मन क्यों तो मैं 1 घंटा तक मेरा गीत बहुत सा गीत सुना सकूं मैं, अब तो घर को जाइए बंद हो गई सारी होटलें, एक एक गीत मैंने याद है बहुत मनचा से सुनो, और आज राजस्थानी जिके आधुनिक काल री उत्तर आधुनिक काल री बात करे सदीक साहब तो बी टाइम लिख गया, बे टाइम री मेरी रचना ताम जाम से ने देखो पूरे भारत री राजनीति जिकी आज लारले 8 साल से चल रही है भी राजनीति री धमक थाने मेरी भी रचना है। मैं रंगकर्मी हूं, सदीक साहब री पहली किताब थी अंतस उजास, मतलब मोयलो उजास भी किताब रो लोकार्पण विश्वज्योति सिनेमा रखने एक स्कूल दी छत पर रहो, मैं एक बच्चो थो लेकिन मैं भी रो साक्षी थो लोकार्पण रो, और बाद में जब मैं रंगकर्म करने लग्यो तो गुरुजी जीवता
मैं भी तो लिखे अंत सुजास भीतर उजास, और मैं भी यार कविता ने भी संकलन रही आधार बनार नाटक लिखे अंतस्तास मायली बढ़त बढ़त क्या है मायने आदमी रे। और मैं मनचंद्र पहले मनचंद्रा दर्शक सदीक साहब खुद था, और मैं फिर कहना चाहूं कि शुरुआत 10 रुपया से करी और बे दिन मारो नाटक और मंचन देख जी मैं डायरेक्टर भी हो और जिके मैं एक्टिंग भी करतो भैया मंच पर मार मैंने 101 रुपया दिया। ए दो ऐसा पुरस्कार है हमारे जीवन रहा, अगर मैं जीव जीते तक मैंने चाहे भले ही कितना ही पुरस्कार मिल जावे लेकिन सदीक साहब रे दियोड़ा बे पुरस्कार सब पुरस्कार छोटा है। और चूंकि मन तो बच्चे दई भी हो बहुत प्रेम मिले क्योंकि हमारे घरे भी आनो जानो लगातार पापा रा मित्र आई रे वास्ते, लेकिन प्रगतिशील चेतना रा ईसा राजस्थानी कविया में अब सदीक साहब रे बाद हरीश वाधानी रे बाद आई जी रहे भगवान आई जी री सवाई उम्र करे यारी कलम यही चालती रहे, लेकिन सदीक साहब रे दियोड़ो उजास राजस्थानी काव्य जगत सामने हमेशा बने रहे। मारी आई आज रे दिन माथे भी ने श्रद्धांजलि और गुरु जी ने निमन करूं और चाहूं कि गुरु जी जठे भी है मने आशीर्वाद देवता रहे और मैंने खुशी होनी चाहिए कि मेरा 10 रुपया एक छोटी सी कहानी मैंने आज 104 किताबें तक ले चुकी है और आगे भी मेरी प्रेरणा मिलती रहे आई जी से बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलते रहे। आप सबरा ने बहुत बहुत राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपनी एक कुछ रचनाएं सुनाना चाहें तो आप वो भी सुना दीजिए। मैं गुरु जी की रचनाएं सुना दी, मारी क्या रचना सुनो, एक छोटी सी कविता आई जी 4 लाइन भी सुनाऊ मैं खाली बहुत छोटी सी। पहला घर आ कच्चा गोबर रो आंगनो गोबर री लिपियोड़ी भीता पण अब मार्बल रे आंगनो टाइल्स री भीत्या मतलब घर पक्का जद घर कच्चा हा तद मिनख पक्का हा पर जद घर पक्का हो गया तो मिनख कच्चा हो गया मिनख कच्चा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बहुत खूब सर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय मधु आचार्य जी। तो अगली पंक्ति में मैं आप बुलाना चाहूंगी डॉक्टर उर्मिला चौधरी जी को। ये विगत 4 वर्षों से दुबई में निवास कर रही हैं। ये मूलतः राजस्थान हरियाणा की रहने वाली हैं, सॉरी राजस्थान हनुमानगढ़ की रहने वाली हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा पंजाब और राजस्थान में हुई। कमलेश्वर के उपन्यासों में मध्य वर्ग इनके शोध का विषय रहा। हिंदी साहित्य के प्रवक्ता पद पर कार्य कर शिक्षण सेवाएं प्रदान की। अनेक संगोष्ठियों में इन्होंने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज की है। हिंदी साहित्य की अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में इनके द्वारा पुस्तक समीक्षाएं कहानियां लघु कथा कविताएं तथा शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। UAE से प्रकाशित सोच हिंदी के इमाराती चश्मे से जो UAE से प्रकाशित हिंदी की पहली पुस्तक है इनमें इनकी अनेक रचनाएं सम्मिलित हुई हैं। इन्हें UAE में राष्ट्रीय स्तर की बाल कवि प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका का भी निर्वहन किया है और UAE के साहित्यिक परिवार से मेरा परिचय इन्हीं के द्वारा करवाया गया था जिसके लिए मैं इनकी हमेशा आभारी रहूंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उर्मिला जी, आइए। धन्यवाद कौसर जी, आपने इतना सुंदर परिचय दिया मेरा। तो यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वजन को मेरा प्रणाम। जन कवि मोहम्मद सदीक भाटी को नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि भले ही आज वे शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु अपनी रचनाओं में वे आज भी जिंदा हैं और अगर उन्हें अमर कहा जाए तो भी मेरे ख्याल में अतिशयोक्ति जो है वो नहीं होगी, क्योंकि 2-3 दशक पहले जो उन्होंने साहित्य लिखा जिसकी बात अभी आदरणीय ने की थी कि उनका जो साहित्य है वो आज भी प्रासंगिक है और उनकी रचनाओं की एक एक घटना को हम आज के परिवेश से जो है जोड़ सकते हैं। और मेरे ख्याल में एक साहित्यकार की एक लेखक की इससे बड़ी सफलता और क्या होगी कि आज भी हम उनकी रचनाएं ऐसे ही पढ़ रहे हैं, आज हमारे आसपास का जो परिवेश है हमारा आज भी वैसा ही है और उनकी रचनाएं जो है प्रासंगिक है। तो आज मैं उनकी कविता जो सुनाने जा रही हूँ, उनकी पुस्तक का नाम है अभी अंधेरा है, उसमें संकलित उनकी कविता 8। तो सुनिएगा,
कि नौजवान सच है, नौजवान सच है, तेरा हाथ जोड़ हथियार बासी हो गया है, तेरा हाथ जोड़ हथियार बासी हो गया है, बोदा है, बदबू देने लगा है, मुठियां तान अकड़ कर चल, मुठियां तान अकड़ कर चल, झपट कर छीन ले बाज की तरह अपना हक अपना अधिकार। अकड़ कर चल, झपट कर छीन ले बाज की तरह अपना हक अपना अधिकार, हाथ जोड़ हथियारों ने ऐसे बोदे बासी संस्कारों ने, फर्शी सलामों ने तेरे सीने में मोच और कमर में जो कुबड़ डाली है, तेरे हाथ जोड़ हथियारों ने ऐसे बोदे बासी संस्कारों ने, फर्शी सलामों ने तेरे सीने में मोच और कमर में जो कुबड़ डाली है काफी है तेरे मुझे चोट खाए खंडित व्यक्तित्व के परिचय के लिए। परंतु मत स्वीकार यह संस्कार, मत स्वीकार यह संस्कार, स्वभाव में समाने से पहले, स्वभाव में समाने से पहले ठुकरा दे ठोकर मार दे इसे, पैदा कर अपने में उस निज को, पैदा कर अपने में उस निज को जो तुझे जीवित रख सकता है, जो तुझे जीवित रख सकता है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर उर्मिला जी, बहुत सुंदर। दूसरी एक और कविता है, मैं सुनाना चाहूंगी, जो सुनो, इसी पुस्तक में ही संकलित है। बस इतना सा फर्क है तुझ में और मुझ में, बस इतना सा फर्क है तुझ में और मुझ में, प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर मैं, प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर मैं, लेकिन सामने की तेज हवा थका देने वाली चढ़ाई रास्ते की तमाम बाधाएं, और तुम, और तुम बिना पैडल मारे तुम्हें जो गति मिली है वह तुम्हारा अपना प्रयास नहीं, वह तुम्हारा अपना प्रयास नहीं, जहां से ढले हो और ढलते ही जा रहे हो गति के साथ नीचे और नीचे, यह ढलान है प्यारे, चढ़ना नहीं उतरना है तेज रफ्तार के साथ। वाह, बहुत सुंदर उर्मिला जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुनाया आपने, और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि एक अपनी भी रचना आप सुनाएं। जी मुझे समय दीजिए फिर इसके लिए थोड़ा सा। जरूर जरूर, ठीक है, तो तब तक सपना जी को बुला लें। ठीक है जी, तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे जैसलमेर की ही जन्मी श्रीमती सपना यशोवर्धन व्यास जी, ये वर्तमान में उदयपुर में रह रही हैं। ये एमए हिंदी साहित्य शास्त्र में साहित्य में किया है, ये कवित्री लेखिका और आलोचक हैं, और बहुत से ऑनलाइन और व्यक्तिगत कार्यक्रमों में लगातार इनकी भागीदारी रहती है। ये अपने दादाजी के नाम से फेसबुक पेज भी चलाती हैं। इनके दादाजी स्वर्गवासी श्री श्याम सुंदर श्रीपद जी उच्च कोटि के डिंगल भाषा के कवि थे। इसके साथ ही साथ हिंदी अध्ययन जैसलमेर दर्शन यूट्यूब चैनल पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। इसके साथ ही साहित्य अर्पण और जैसे राजस्थान के फेसबुक पेज पर भी लाइव प्रस्तुति दे चुकी हैं। इनका अपना YouTube चैनल भी है जिस पर ये अपनी और अपने दादाजी की कविताओं का पाठ करती हैं। इन्हें हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच से राजस्थान कवित्री का सम्मान प्राप्त हुआ है। लंदन के गुरुकुल और भारत के उच्चायुक्त लंदन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सपना यशोवर्धन व्यास जी, आइए। धन्यवाद पौषा जी, बहुत सुंदर परिचय दिया आपने, सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही है। तो आज मैं जन कवि आदरणीय मोहम्मद सादिक साहब की को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हुई हूँ। तो पहली शुरुआत मैं मेरे दादा की कवि रचना से करना चाहूंगी, क्योंकि वो भी मायड़ भाषा के प्रति बहुत जागरूक थे और मायड़ भाषा को आगे लाने के लिए बहुत प्रयासरत रहे। वो अलग बात है कि आज तक भी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन मैं उनकी एक कालजयी रचना जो इसी टॉपिक पे लिखी गई थी, जब संसद में प्रस्ताव पारित किया गया था राजस्थानी भाषा का और वो ना रद्द कर दिया गया था, तो उससे खिन्न होकर मेरे दादा ने कुछ चंद पंक्तियां लिखी है, आप सुनिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम सबके बहुत बार होते हैं। तो आज की शुरुआत मेरी मेरे दादा की रचना से।
ये आदरणीय मोहम्मद सादिक साहब को एक श्रद्धांजलि मेरे दादा की तरफ से। शीर्षक, राजस्थानी भाषा कोई नहीं। साची कहवे संसद वाला, राजस्थानी भाषा कोई नहीं, राजस्थानी भाषा कोई नहीं। सिंधु रागों में शंखनाद, छंदों में खड़गारों, पौणी गूंजन में केहरी गर्जन, रौबीली रजवटरी रानी। क्षमता खड़गो खड़कावण री, झूंझण जो धोरा जबर जोर, मेटण मोतड़ली राम मटका, मरदो ने मुछोरी मरोड़। सुन तो जो हर ज्वाला जागे, सुर गोरो माटी करे मोल, बे माता ने हद बिल मावे, थलरी बोली रा वीर बोल। की कर कहवे इनले भाषा, आजूंजारो री जिंदगानी, साची कहवे संसद वाला, राजस्थानी भाषा कोई नी, राजस्थानी भाषा कोई नी। ईश्वर परमेश्वर री जाया, हरि रस री बात न अनजानी, में रतनी मीरो लियो मोल, वो पालो गीता रो ज्ञानी। राजस्थानी बन रुद्राणी, रोटी खाकर अमरो रोयो, पूजन लागी सतरी बाती, रजपूती फिर राखण वाली, आ गीता पीतल री पाती। की कर कहवे इनने भाषा, आवेद पुराणो री बाणी, साची कहवे संसद वाला, राजस्थानी भाषा कोई नी, राजस्थानी भाषा कोई नी। है वर्ण वर्ण वीरता भरिया, सब तो सजिया सोले, श्रृंगार नवरस किल के, मात्राओं में बोलन में जोशीली अपार। करड़ाई बैंड सगाई री, उड़ जावे अष्टाध्यायी ने, जेनी होती राजस्थानी, कालख लगती करुणाई ने। इन रसिया रास रचा कोई नी, इन तो इतिहास रचाया है, पारख की साची भर देती, गुण रागी तड़ला गाया है। आ तो जीवन री परिभाषा, आ पावन गंगा रो पानी, साची कहवे संसद वाला, राजस्थानी भाषा कोई नी, राजस्थानी भाषा कोई नी। तो फिर कवि को पूछा गया कि अगर ये भाषा नहीं है तो क्या है, तो कवि की शब्दों में, आधुरी धर्म ने धारण री, पगडंडी प्रभु ने पावण री, आ अनहद जोश जगावण री, भूल्योड़ा मार्ग लावण री, खुरसौनी धार चढ़ावण री, आ जो गण नर झूंझावण री, आ सरगम भाव सजावण री, आ गीता ज्ञान बतावण री, आ मेहंदी रंग रचावण री, आ पायल पग थिरकावण री, आ खंग जंग जीतावण री, आ बोणी भेद मिटावण री। आ तो सागी सुर सुत माता, भाषा केवड़िया अज्ञानी, साची केवे संसद वाला, राजस्थानी भाषा कोई नी, राजस्थानी भाषा कोई नी। तो ये राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए उनका अथक प्रयास, उनके अथक प्रयास के रूप में लिखी गई रचना, जो आज तक भी फलीभूत नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कभी ना कभी होगी। बहुत सुंदर सपना जी, और जिस अंदाज में आपने सुनाया वो काबिले तारीफ है, बहुत बढ़िया। उन्हीं की ट्रेनिंग दी हुई है। और आदरणीय आयदान जी हुकम साहब मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं एक दादा का मेरा एक छंद भी सुनाना चाहूंगी उन्हीं के समक्ष, क्योंकि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं इनके रूबरू बैठी हूँ आज। स्वागत है। छोटा सा छंद है मेरे दादा का, छंद मोती धाम, क्योंकि अभी मौसम ऐसा ही छाया हुआ है चारों तरफ, तो आज बनता है समय के अनुकूल। गिरी नभ सोम घटा घन गोर, मनोहर बोल रया वन मोर, बवे धर बावल शीतल बाय, सरोवर खेत दिया सरसाय। लगा नभ खेलन लूवर लूर, पड़ा पड़ बिजलियां भरपूर, घुरे घन गोर गड़ा गड़ गाज, हते नभ देख किसान समाज। जमी पर छोड़ करे झिणकार, उठे सर में लहरो अणपार, भरे जल सावणियो भरपूर, कटे दुख काल तनाज करूर। हड़े हता करुणा जिके तिरुड़ा, मुगता दीप जावण रेत चले, हल भूतल रो उर चीर, लिखे विधि भाग तनीज लकीर। तुवे बिनवाड़ अनूप सुगंध, उठे हद ही वड़ियो जी उमंग, हरियल चुनरी धर ओढ़ करे, जगतीज तना घन कोड। सजी हद तीज नन झूल, फड़े फड़ खेत सुकंजन फूल, करे रमटा परिया किलकार, उड़े बछड़ा पग पग पूछ उछाड़। गमागम छाछ बिलोण गमाल, करे चुड़लो मधुरी खणकार, उतार धरे नवनीत अपार, सिके अवतार धरु करतार। मरु मर मौन में मौन सुरंग बने, थल भूरी सोन हसी हद हेत, घणो हर खाए, जमी रस तू मरुरी भर जाए। ये बावड़ बादल बिजली न घोर, इंदर घन गाज,
हरख कोट ले आवियो सावणी ओ सिरताज। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर सपना जी, बहुत सुंदर, मजा आ गया सुन के। बिल्कुल, हम भी आपके साथ उसी भाव में बह गए जी, बिल्कुल। तो आप अपनी रचना सुनाना चाहेंगी? जी, मैं राजस्थानी भाषा में, मैंने अभी बताया कि मैं, आपने बताया मेरे परिचय में, मैं अभी अभी लिखना मैंने शुरू किया है, तो ज्यादा पकड़ नहीं है, कोशिश करती हूँ कि पकड़ बनाए रखूं, लेकिन फिर भी क्योंकि जेनेटिक है ये, अनुवंशिक है, क्योंकि रग रग में बसती है मारवाड़ी। तो अभी मैं घनाक्षति विधा सीख रही हूँ, उसमें मैंने अभी हाल ही में आखा तीज जो हमारा त्योहार होता है राजस्थानियों का पर्व, उस पर मैंने एक घनाक्षति लिखी है दो चरणों में, स्वागत वो जो पेश करना चाहूंगी। शीर्षक राखा तीज, मेघ में भ्रमण कर तप आयो दिन कर दिन रा कंचन पीड़ा रजनी रूपाली है। इसमें ज्योतिष है, मेरे दादा की कविताओं में ज्योतिष होती थी कि मेष राशि में आखातीज पे मेष राशि में सूरज आता है, और इसीलिए दिन में बहुत भयंकर गर्मी और रात को ठंडक होती है। मेरे दादा की हर रचना में ज्योतिष थी, तो मैंने भी आज थोड़ी उन्हीं का मतलब सहारा लेके शुरुआत की है कि मेघ में भ्रमण कर तप आयो दिन कर दिन रा कंचन पीला रजनी रूपाली है। टन कह टोकरिया हल बावे छोकरिया सुगन विचार मो मेह भोर नखराली है। दिगलिया अन्न पूछे चूल्हे आखो धान सीजे मारवाड़ी मन वारो मिस्त्री ही प्याली है। बड़ियों कचरी पड़ी तरावट झोल भरी खीचड़ो बाजरो गेहूं घी धार ढाली है। बड़ियों कचरी पड़ी तरावट झोल भरी खीचड़ो बाजरो गेहूं घी धार ढाली है। इमलेरी इमलानी केरी पानो ठंडो पानी इन रेसो में तो भोग छप्पन बेकार है। नयोड़ी मटकी भरे की कुसु साखियो धरे मोंडे आखा खड़ा धान मारू रो व्यवहार है। बाखोटे उठ किनार गाबा नवा पैर धार खिचड़ो रंधा विजय में झल के दुलार है। अलबेली आखा तीज अपना यतरो बीज उपजे आनंद गाड़ो प्रेम रो त्योहार है। अलबेली आखा तीज अपना यतरो बीज उपजे आनंद गाड़ो प्रेम रो त्योहार है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया जी। तो अब मैं फिर से आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर उर्मिला चौधरी जी को कि आप आइए और अपनी रचना सुनाइए। जी बिल्कुल कौशल जी, मेरी कविता का शीर्षक है आज का किसान, तो सुनिएगा। वह पक्ष बतलाऊं जिससे थे तुम अब तक अनजान, है बहुमुखी प्रतिभाशाली आज के भारत का युवा किसान। पूर्वाग्रहों से मुक्त हो पूर्णतया तुम उसे दो नई पहचान, बेरोजगार कृषक को कहने वालों अब उसका करो सम्मान। जी हाँ, मैंने यहाँ पर जो बेरोजगार शब्द कहा है वो सच्चाई है, यही बोलते हैं कि जो कोई कुछ नहीं करता वो खेती करता है। चिकित्सक सैनिक इंजीनियर बनता है वह तत्काल, रूप अनेकों धरता हमारा वर्तमान भारत का लाल। नई तकनीकें हुई विकसित, मशीनों का आधुनिक दौर, उत्तम फसल उत्पादन और गुणवत्ता पर भी पूरा जोर। जुताई बुवाई सिंचाई कटाई भंडारण अब नहीं कठोर, इंजीनियर से कम नहीं कृषक जिसके हाथ यह बागडोर, जिसके हाथ यह बागडोर। अनगिनत फसल के रोगों का रखता बारीकी ज्ञान, चिकित्सक की भांति उनका करता भी वही निदान। रोटी कपड़ा और मकान जीवन में पाता जो इंसान, मत भूलो तुम इतनी बात उसके मूल में भी है किसान। मकान इसलिए क्योंकि उसमें लगने वाली ईंट को पकाने के लिए भी खेत की लकड़ी ही काम में आती है। आगे सुनिएगा कि जेठ की दोपहरी हो या जाड़े की हो सर्द रात, तत्पर है ये रहता सैनिक कोई भी समस्या अकस्मात। ओला पाला तूफान कभी कभी पड़ती सूखे की मार, जिनसे बचने के उसके होते विफल प्रयत्न हजार। फसल बीमा का लाभ भी पाते हैं सीमित कृषिकार, नहीं पहुंचता उस तक जो वास्तव में उसका हकदार। भाव की भारी मार सदा मोल भाव का नहीं अधिकार, मन महसूस कर रहता जब बिकती उसकी पैदावार। तो जो सच्चाई है मैंने वही बयान किया है कि कुछ तो अच्छी जो स्थिति है और कुछ जो है उसे
कठिन परिस्थितियों से भी उसे गुजरना पड़ता है और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, यह बिल्कुल जैसा है मैंने वैसा ही चित्रित करने का प्रयास किया है। तो अगली पंक्ति सुनिएगा कि जैसे जब ये कृषि विधेयक के समय पर जब किसान आंदोलन हुआ था, तो कि तत्कालीन कृषि विधेयक की विपक्षी ने हिलाई चूल, पक्ष गिनवाए लाभ कहे, समस्त आशंकाएं ही निर्मूल। पक्ष हो या हो विपक्ष, नहीं किसान का कहीं अक्ष, कार्य क्षेत्र उसकी प्रमुखता, स्वभाव से सदा वह निष्पक्ष। कृषक तो बदला लेकिन जमाने पर नहीं उसका जोर, बहुमुखी प्रतिभा फिर भी भविष्य अंधकार की। आहत हुआ अब हृदय उसका, गड़गड़ाहट जिसकी चहुं ओर, नहीं दिखाना चाहता अपने बच्चे को कृषक की भोर। जाग जाओ अब तो इंसान, अन्नदाता भारत का प्राण, प्राण विकल शरीर का अस्तित्व होता समान पाषाण। पूर्वाग्रहों से मुक्त हो पूर्णतया, तुम उसे दो नई पहचान, बेरोजगार कृषक को कहने वालों, अब उसका करो सम्मान। बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत बहुत खूब उर्मिला जी, बहुत खूब जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको अब दादाजी की एक कविता सुनाती हूँ, तो जिसका है कि इंसान को डरना नहीं चाहिए, डर पर जीत हासिल करनी चाहिए, और जितना डरोगे डर उतना ही आपके पीछे भागेगा। आप समझ गए होंगे मधु आचार्य जी और डॉक्टर आईदान जी की मैं कौन सी कविता की बात कर रही हूँ, तो सुनिएगा। डर स्यूं डरो तो दुनिया मारे, डर स्यूं डरपणियों मन हारे, डर तो मिनख मिनख रे लारे, नैया कुण सो पार उतारे। डर स्यूं डरो तो दुनिया मारे, डर स्यूं डरपणियों मन हारे, डर तो मिनख मिनख रे लारे, नैया कुण सो पार उतारे। देखो तो डर भाग सी, बतलाया डर जाग सीरे, बुचकारा डर लाग सीरे, बुचकारा डर लाग सी। देखो तो डर भाग सी, बतलाया डर जाग सीरे, बुचकारा डर लाग सीरे, बुचकारा डर लाग सी। मिसरी मुंडे लाड लडाया, मिसरी मुंडे लाड लडाया, फागण भी फाग सी रे, मिसरी मुंडे लाड लडाया, बिन फागण भी फाग सी रे, खुली गोलियां दाग सी रे, खुली गोलियां दाग। थारी करनी रो फल पारे, माथे चढ़िया किणने धारे, रूपा रूड़ो आख्या झारे, नैया कुण सो पार उतारे। थारी करनी रो फल पारे, माथे चढ़िया किणने धारे, रूपा रूड़ो आख्या झारे, नैया कुण सो पार उतारे। डर स्यूं डरो तो दुनिया मारे, डर स्यूं डरपणियों मन हारे, डर तो मिनख मिनख रे लारे, नैया कुण सो पार उतारे, नैया कुण सो पार उतारे। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह 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 जी। एक कविता मैंने भी उनके लिए लिखी थी, आज से एक साल पहले जब उनकी पिछली पुण्यतिथि थी, तो उसी के दौरान ये इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। मैंने तब भी उनके लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम रखवाया था, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने एक कविता लिखी थी, आपको सुनाती हूँ। एक पोती की अपने दादाजी के लिए श्रद्धांजलि है और उन्हीं की यादों को लेकर ये कविता मैंने लिखी है, तो सुनिएगा। ये नेक था दिल उनका, नेक हर इरादा था, नेक था दिल उनका, नेक हर इरादा था, सागर सी गहरी बातें, दिल दरिया और एक मुस्कान का वादा था। वो जिससे भी मिलते थे हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते थे, एक सौम्य सी मुस्कान उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी। तो प्रेम प्यार से सबसे मिलते, सबके मन को भाते,
खुशियां अनेक देते और बड़े प्यार से कविता सुनाते। उनकी जो मंडली थी, उनकी जो कविताएं थी, वो कहीं भी, वो हर किसी का भी आग्रह टाला नहीं करते थे। भले वो चाय की दुकान हो, किसी का घर हो, जब भी उनसे कोई आग्रह करता तो वो अपनी कविताएं जरूर सुनाते थे। सड़क पर भी सुनाते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बने स्तंभ हमारे जीवन पथ पर, अनगिनत पाठ पढ़ाए, सफल जीवन का मार्ग दिखाकर गुण अवगुण के भेद बताए। जन्म लिया जहां मैंने, आप जैसे दादोसा पाए, ज्ञान चरित्र और संस्कार आपसे विरासत में पाए। रंग रूप जात पात का भेद भुलाकर भाईचारे का पाठ पढ़ाया, भौतिक सुख संसाधनों से ऊपर उठकर धरातल पर रहना सिखाया। वो कहा करते थे, हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज, सुंदर वही है जो सुंदर काम करता है। किसी का रंग रूप क्या है, उसकी जात क्या है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने ही हाथ पकड़कर मुझे कांधे पर बैठाया था, आपने ही हाथ पकड़कर मुझे कांधे पर बैठाया था, कड़वे बादाम खुद खाकर मीठा वाला मुझे खिलाया था। वो जब भी मैं सुबह स्कूल जाती थी तो वो भीगे हुए बादाम मुझे खिलाया करते थे, तो वो पहले चखते थे खिलाने से पहले, जो कड़वा निकलता था वो खुद खाते थे और मीठा वाला मुझे खिलाते थे। शाम को स्कूल से लौटते वक्त मेरे लिए हमेशा कुछ लाते, शाम को स्कूल से लौटते वक्त हमेशा मेरे लिए कुछ लाते, आगे बैठा लूना पर सारा रानी बाजार घुमाते। पापा भूल गए जब रंग लाना, तो आपका ही सहारा था, बालहंस चंपक और नन्हे सम्राट पढ़ना मुझे आप ही के साथ गवारा था। उनकी एक पूरी लाइब्रेरी हुआ करती थी, पूरा एक कमरा किताबों को ही समर्पित था, जिसे हम लाइब्रेरी रूम कहा करते थे, और उसी में बैठकर बड़े आराम से चंपक, नन्हे सम्राट और बालहंस किताबें पढ़ा करते थे। जब भी डांट पड़ती थी, ये हर दादा दादी अपने पोते पोती के लिए करते हैं, किसी को डांटे नहीं देते, कहते हैं ना कि जब भी पोते पोती को डांट पड़ती है तो दादाजी दादागिरी पे उतर आते हैं। तो जब भी डांट पड़ती थी, ढाल बनकर आगे खड़े होते थे, सबकी डांट से बचाकर बड़े प्यार से समझाते थे। आपकी गोद छिपने की सबसे महफूज जगह थी, आपकी गोद छिपने की सबसे महफूज जगह थी, मेरी खुशी आपकी मुस्कान की वजह थी। तो ये मेरी कविता है अपने दादाजी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। उनकी एक और प्रसिद्ध रचना, ये बड़ा आग्रह किया गया था कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत भी कविता सुनाई जाए, अगर आप सबकी आज्ञा हो तो एक कविता मैं सुनाना चाहूंगी। जी बिल्कुल कौसर जी, ताम झाम साबी। जी राम जी री चिड़िया, रे राम जी री चिड़िया, रे राम जी रा खेत जी मुम्हारी चिड़िया, भर भर पेट राम जी री चिड़िया, रे राम जी री चिड़िया, रे राम जी रा खेत जी मुम्हारी चिड़िया, भर भर पेट। बाढ़ खावे खेत ने तो खेत में है अड़वा, बाढ़ खावे खेत ने तो खेत में है अड़वा, रे चूंच ऊंची राख थारी पूंछ मती पड़वा, रे चूंच ऊंची राख थारी पूंछ मती पड़वा। मन मती मार थारे आले ने रुखाड़, मन मती मार थारे आले ने रुखाड़, रे चुगलेरी चिड़िया तू थारा बच्चा पाड़, रे चुगलेरी चिड़िया तू थारा बच्चा पाड़। राम जी री चिड़िया, रे राम जी री चिड़िया, रे राम जी रा खेत जी मुम्हारी चिड़िया, भर भर पेट, रे जी मुम्हारी चिड़िया, भर भर पेट। तो मैं उर्मिला जी के आग्रह पर ताम झाम सा भी सुनाती हूँ। बिल्कुल। ताम झाम साए ताम झाम सा, ताम झाम साए ताम झाम सा, रे साची साची कवा जद लागे डाम साए ताम झाम सा,
रे साची साची कवा जद लागे डाम साए ताम जाम सा, ताम जाम साए ताम जाम सा। फुटपाथारा फोड़ा देखो गांधी जी रे देश में, फुटपाथारा फोड़ा देखो गांधी जी रे देश में, रे सुखरा सपना देखा रखो भरोसा रे भेस में, रे सुखरा सपना देखा रखो भरोसा रे भेस में, रे मंगतारी कतारा ला दे साए ताम जाम सा, रे साची साची कवा जद लागे डाम साए ताम जाम सा। आया जी का अमर कोनी जामे जिसका जावेला, रे आया जी का अमर कोनी जामे जिसका जावेला, रे आकाशा में उड़निया तो धरती माते आवेला, रे आकाशा में उड़निया तो धरती माते आवेला, रे आसुरा धड़कावे देखो सुखियां जाम सा। बहुत बढ़िया, कवा जद लागे डाम साए ताम जाम सा, साए ताम जाम सा, रे साची साची कवा जद लागे डाम साए ताम जाम सा। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय निकाला और इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। आपका बहुत हार्दिक आभार, बहुत हार्दिक आभार।